मैं आज आपको एक लड़के और एक लड़की की दोस्ती कहानी सुनाता हूँ। एक बार लड़का अकेले बैठा होता है, मतलब वैसे ही ऑनलाइन बैठा हुआ था, तो एक लड़की उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट देती है। तो फिलहाल अच्छा कुछ नहीं करता, पर मैसेज कर दिया दोस्ता कौन है। तो लड़की बोलती है मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ। तो ऐसे ऐसे उनकी बात करती गई, तो ऐसे ही बात करती गई, उनकी बातें बीच में बातें होती रही, काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गए। तो एक बार लड़की ने पूछा लड़के को, वो ज़्यादा ऑनलाइन नहीं कर सकता लड़का, तो लड़की ने पूछा एक तुम ऑनलाइन क्यों नहीं रहते हो, ऑनलाइन रहते हो फिर भी ना SMS ना कॉल क्यों, ऐसा क्यों, दूर की बात है, तुम मेरे SMS देखते तक नहीं हो। तो लड़का बोलता है, एक सुंदर सा जवाब देता है, सुनिए हाँ सुनो, मैंने ना FB ना व्हाट्सएप मैं तो चलाता ही नहीं, SMS देखना तो बहुत दूर की बात है, मेरा फोन तो डाटा तंदर खुला ही रहता है और कोई अपनी कहाँ सुनता है, ये जो है मतलब ही दुनिया है, सब मतलब से याद करते हैं, तब मैं नहीं आता हूँ, इसलिए दुनिया की जिम्मेदारियाँ बहुत है, मेरे लिए दुनिया की जिम्मेदारी बहुत है, अपने पापा की है, पापा मम्मी की जिम्मेदारियाँ बहुत है और टाइम बहुत कम है, मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, मुझे अपना सपना पूरा करना है, तब नहीं करता हूँ मैं किसी को SMS और ना कॉल। तो लड़की बोलती है वहाँ क्या बात है, तुम्हारी बातों से तो मेरा दिल खुश हो गया, तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो लड़का बोलता है मैं सोच के बताऊंगा। ओके बस फिलहाल अभी इतनी कहानी थी मेरे पास, बताया वो तो दूसरी नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। I'm gonna go to the dunya.